नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आज मथुरा पहुंचे, जहां पर किसान आंदोलन के समर्थन में 400 दिन से चल रहे समता फाउंडेशन के धरने पर पहुंचकर धरना दे रहे लोगों को कोल्ड ड्रिंक पिलाकर धरना समाप्त कराया। वहीं उन्होंने सरकार पर तीखा वार करते हुए कहा कि ये श्री कृष्ण की नगरी है और यहाँ पर कुछ लोग हंगामा करना चाहते हैं, जबकि यहाँ की सारी व्यवस्था अच्छी चल रही है। लोगों को खूब रोजगार मिल रहा है, किसी की चाट तो किसी के श्रद्धालुओं से रोजी रोटी चल रही है। लेकिन फिर उन्होंने मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर इशारा करते हुए कहा कि यहाँ पर भी लोग दंगा कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ के लोग बड़े शांति माहौल बनाने वाले हैं। इसी के साथ राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा धरना स्थगित हुआ है, न कि समाप्त। समय आने पर धरना फिर से शुरू हो सकता है। और मंत्री अजय टेनी के सवाल पर कहा कि हमारी तो मांग यही है कि टेनी का इस्तीफा हो, लेकिन चुनाव तक देख रहे हैं, नहीं तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। वहीं उन्होंने मथुरा के छाता शुगर मिल को फिर से शुरू करने की सरकार को चेतावनी दी और कहा कि अगर शुगर मिल शुरू नहीं हुई तो फिर से यहाँ पर भी सरकार का इलाज करना पड़ेगा। बाइट राकेश टिकैत, राष्ट्रीय प्रवक्ता। अब वो ठोर जगह तो कहीं मिल नहीं रही, अब कह लगे मथुरा में से मिल जाओ। भाई मथुरा के लोग शांत है, अपना पूजा पाठी है, अपना कर रहे, जो चल रहा है हिसाब उधर चलने दो, दे दे पंगा घेरेंगे, सारे रोजगार खत्म होंगे, ये दुकानदारी खत्म होगी, यहाँ दंगे भड़कवाने का काम करेंगे, ये इनसे बच कर रहना, ज्यादा ठगठगे हैं ये, मथुरा में से भी वोट तलाश कर रहे। अपने काम पे ध्यान दो, टूरिस्ट बहुत आता है, सबको रोजगार मिल रहा, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। यहाँ किसी ने होटल बना लिया, किसी ने ढाबा बना लिया, यहाँ सबका काम चल रहा, रेहड़ी रिक्शा टेम्पू ठेले सबका काम चल रहा है यहाँ पे। यहाँ काम आगे पंगेबाजी तो करो ना कोई आन के, ठीक है, आते ही तो इलाज होगा, अपने बचा कर आगे अपने इसको मत रखो, ये ठीक शांत क्षेत्र है, अपना सबका काम चल रहा। और भाई दिल्ली में जो भारत सरकार ने कहा उसको अपना काम करे सरकार। हाँ देखो, विकास से वोट मिलती है, झगड़ू से वोट नहीं मिलती, अपने उस पर ध्यान दो। किसानों के फसलों के रेट कम है, उसका रेट बढ़ाओ। यहाँ पे भी पानी की समस्या है मथुरा में, एक शुगर मिल पे भी धरना चल रहा, तो भाई शुगर मिल के भी पैसे दे तो क्यों बंद कर दी फैक्ट्री, कहाँ जाएंगे छाता के किसान। यहाँ पे फसलों के रेट कम है, एमएसपी पे खरीद हो, एमएसपी पे खरीद, उस पर कानून बने, गारंटी कानून वो बने। और दिल्ली में एक साल तक 13 महीने दिल्ली में धरना दिया लोगों ने, कई लाख आदमी। अब वो ठोर जगह तो कहीं मिल नहीं रही, अब कह लगे मथुरा में से मिल जाओ। भाई मथुरा के लोग शांत है, अपना पूजा पाठी है, अपना कर रहे, जो चल रहा है हिसाब उधर चलने दो, दे दे पंगा घेरेंगे, सारे रोजगार खत्म होंगे, ये दुकानदारी खत्म होगी, यहाँ दंगे भड़कवाने का काम करेंगे, ये इनसे बच कर रहना, ज्यादा ठगठगे हैं ये, मथुरा में से भी वोट तलाश कर रहे। अपने काम पे ध्यान दो, टूरिस्ट बहुत आता है, सबको रोजगार मिल रहा, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। यहाँ किसी ने होटल बना लिया, किसी ने ढाबा बना लिया, यहाँ सबका काम चल रहा, रेहड़ी रिक्शा टेम्पू ठेले सबका काम चल रहा है यहाँ पे। यहाँ काम आगे पंगेबाजी तो करो ना कोई आन के, ठीक है, आते ही तो इलाज होगा, अपने बचा कर आगे अपने इसको मत रखो, ये ठीक शांत क्षेत्र है, अपना सबका काम चल रहा। और भाई दिल्ली में जो भारत सरकार ने कहा उसको अपना काम करे सरकार। हाँ देखो, विकास से वोट मिलती है, झगड़ू से वोट नहीं मिलती, अपने उस पर ध्यान दो। किसानों के फसलों के रेट कम है, उसका रेट बढ़ाओ। यहाँ पे भी पानी की समस्या है मथुरा में, एक शुगर मिल पे भी धरना चल रहा, तो भाई शुगर मिल के भी पैसे दे तो क्यों बंद कर दी फैक्ट्री,
कहाँ जाएंगे छाता के किसान? यहाँ पे फसलों के रेट कम है, एमएसपी पे खरीद हो, एमएसपी पे खरीद, उस पर कानून बने, गारंटी कानून वो बने, और दिल्ली में एक साल तक 13 महीने दिल्ली में धरना दिया लोगों ने, कई लाख आदमी।